नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहतरीन शेयर के बारे में, जिस शेयर में आपको जरूर इन्वेस्ट करनी चाहिए। आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये काफ़ी बेहतरीन शेयर है, इसी शेयर के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये शेयर आपको कैसा लगा। इसमें हम लेवल्स और टारगेट और स्टॉप लॉस भी बताएंगे कि आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए इस शेयर में। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम वैल्यूएशन देख लेते हैं। ये कंपनी हमारा एस्ट्रल पॉलिटेक्निक लिमिटेड और इसका जो अभी करेंट प्राइस है वह 1189 रुपीज, 1200 के आसपास इसका करेंट प्राइस है। काफ़ी बेहतरीन शेयर है और देखते हैं आज ये थोड़ा सा 6 रुपीज़ डाउन है, लेकिन दोस्तों जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न इसका दिखाएंगे तो काफ़ी बेहतरीन है। हर साल 1000% का रिटर्न दिया है, हर साल 1000% का रिटर्न। तो इतना बेहतरीन रिटर्न आपको ऐसे बेहतरीन शेयर में ही मिलेंगे। तो ऐसे ही बेहतरीन शेयर हम अपने चैनल पर आपको लाते रहते हैं। हमारे चैनल पर सिर्फ आपको क्वालिटी शेयर ही मिलेंगे, कोई भी फालतू वीडियो आपको देखने नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, करंट इसका जो मार्केट कैप है 17,000 करोड़ है, मतलब एक मिड कैप कंपनी है। और जो अर्निंग पर शेयर है 12 रुपीज़ है, डिविडेंड देख लीजिए 100% का है, फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। तो ये सारी चीज़ें सब चीज़ें ठीक ठाक है, लेकिन डिविडेंड आपको ज़्यादा इस स्टॉक में नहीं मिलता है। आपको इसमें ग्रोथ पे रिटर्न काफ़ी बेहतरीन मिलेगा, 1000% के आसपास हर साल। और यहाँ पर देख लीजिए, डिविडेंड भी कंपनी हर साल दे रही है, एक साल में 2-2 बार डिविडेंड पे करती है, तो काफ़ी बेहतरीन है। बोनस देख लीजिए, 1:4 के रेशियो में 2019 में पे किया है बोनस। और स्टॉक स्प्लिट यहाँ पर देख लीजिए, 2010, 2013, 2014 तो स्टॉक स्प्लिट भी हुआ है, मतलब आपका शेयर जो है वो काफ़ी गुना हो चुका है, 11 times, 12 times आपका शेयर भी हो चुका है। तो दोस्तों, काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें जो आपको इस शेयर में देखने मिलता है। अगर हम बात करें प्रमोटर्स होल्डिंग की बात, तो प्रमोटर्स का होल्डिंग देख सकते हैं यहाँ पर 55.74 है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखते हैं थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, लेकिन कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। तो जब काफ़ी ज़्यादा प्रमोटर्स का होल्डिंग डिक्रीज होता है तो वो निगेटिव साइन होता है, इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल पर। तो कंपनी का सेल्स क्या है, प्रॉफिट क्या है, तो कंपनी का यहाँ पर देख लीजिए सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कुछ खास इंक्रीजमेंट नहीं देखने मिला है, प्रॉफिट भी कुछ खास नहीं है। लेकिन हम एनुअल बेसिस पर चलते हैं कि कंपनी ग्रोइंग मोड में है या क्या है, उससे पता चलेगा। हमें एनुअल बेसिस पाते हैं 2016 में मात्र था 1677 करोड़ का, 1677 करोड़ का, जो कि बढ़ के हो गया 2577 करोड़। तो काफ़ी ज़्यादा सेल्स इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट की बात करें तो 107 करोड़ था प्रॉफिट 16 में, जो कि बढ़कर के हो गया 251 करोड़। तो प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। तो दोस्तों, सेल्स भी इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है, कंपनी काफ़ी ज़्यादा ग्रोइंग मोड में है, तो जो कि काफ़ी बेहतरीन साइन है, काफ़ी पॉजिटिव साइन है कि कंपनी लगातार ग्रोइंग मोड में है। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर बात करते हैं, तो कंपनी का जो बैलेंस शीट है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ बैलेंस शीट पे आ गए, तो यहाँ पर देख लीजिए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पर चलते हैं। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जो होता है कंपनी के बारे में बहुत ही बेहतरीन आपको इन्फॉर्मेशन देगा। तो यहाँ पर नीचे चलते हैं, तो यहाँ पर नीचे देख लीजिए रिजर्व जो है कंपनी के पास और सरप्लस वह है 1485 करोड़ का। तो 1485 करोड़ का रिजर्व और सरप्लस है कंपनी के पास और ये लगातार बढ़ा है। यहाँ पर देख लीजिए 695 करोड़ से बढ़ते बढ़ते ये आ चुका है 1485 करोड़ तक, रिजर्व और सरप्लस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। उसके बाद यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरोविंग की बात करें, 106 करोड़ का है लॉन्ग टर्म बोरोविंग, तो ये भी काफ़ी बेहतरीन है कंपनी का। नीचे चलते हैं तो आपको यहाँ पर देख लीजिए टोटल जो डेट है कंपनी के पास 154 करोड़ का है, तो काफ़ी कम है, डेट भी कंपनी के ऊपर काफ़ी कम है, मतलब बैलेंस शीट काफ़ी तगड़ा है, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन बैलेंस शीट है, रिजर्व और सरप्लस कंपनी के ऊपर काफ़ी अच्छा है, जबकि डेट काफ़ी कम है। अब हम इसके लॉन्ग टर्म चार्ट और इसके लेवल्स और टारगेट की ओर चलते हैं, जो कि आपको काफ़ी मदद करेगा, काफ़ी हेल्प करेगा इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, पोजिशनल ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं लॉन्ग टर्म चार्ट है एस्ट्रल पॉलिटेक्निक का, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। आपको दिखाते हैं 2007 से अभी तक का रिटर्न देख लीजिए, तो 14000% का रिटर्न यहाँ पर देख सकते हैं। तो हर साल जो है 1000% से भी ज़्यादा का रिटर्न है, 14000 मात्र 13 ईयर्स में 14000% का रिटर्न दोस्तों
दोस्तों इतना बेहतरीन शेयर आपको पूरे स्टॉक मार्केट में नहीं मिलेगा। आप बजाज फाइनेंस का भी देख लेंगे, उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुका है, जिसके बाद जो हाई लेवल पर इन्वेस्ट किए हैं वो फंस चुके हैं, ट्रैप हो चुके हैं। लेकिन ये स्टॉक आपको कभी भी ट्रैप नहीं किया है। थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये कंसोलिडेट किया था, काफ़ी दिनों तक ये कंसोलिडेशन फेज में रहा था, 2014 से लेकर के 17 तक, 2017 के बाद ये स्टॉक कभी भी किसी को ट्रैप अपने अंदर नहीं किया है। तो दोस्तों काफ़ी बेहतरीन शेयर है, ऐसे ही शेयर में आपको इन्वेस्ट करनी है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे यहाँ लेवल्स और टारगेट की, क्या लेवल्स और टारगेट होने चाहिए, क्या आपके स्टॉप लॉस होने चाहिए। अगर हम बात करें आरएसआई का, तो यहाँ पर आरएसआई देखते हैं 40 पे सपोर्ट ले रहा है, तो आरएसआई यहाँ पर साइडवेज दिखा रहा है कि अभी ये स्टॉक साइडवेज है, तो आपको थोड़ा सा इसमें मूवमेंटम के लिए वेट करना पड़ेगा कि ये स्टॉक जब आपको 1300 से ऊपर जाता है तो आपको इसमें मूवमेंटम देखने मिलेगा। तो अगर आप इसमें चाहते इन्वेस्ट करना, अगर आप चाहते लॉन्ग टर्म के इन्वेस्ट करना या पोजिशन ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग, तो आपको इसमें लेवल्स का वेट करना पड़ेगा 1300 के ऊपर का लेवल। जैसे इस लेवल को क्रॉस करता है तो आप इसमें तुरंत इन्वेस्ट कर दें और विथ स्टॉप लॉस, और वहां पर जैसे क्रॉस करता है तो आपको इन्वेस्ट करना है और जस्ट इसके नीचे स्टॉप लॉस आपको लगाना है। तो जब आप इसके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो स्टॉप लॉस आपका छोटा हो जाएगा, 1300 के ऊपर इन्वेस्ट करना है, फिर यहाँ आपका स्टॉप लॉस जो है छोटा हो जाएगा। लेकिन आप बात करते हैं हम किसी भी लेवल पर इन्वेस्ट आप कर सकते हैं, तो आप इसमें SIP मोड में इन्वेस्ट करें, एक शेयर अभी बाय करेंगे, एक शेयर और ऊपर के या नीचे के लेवल जाता है तब बाय करेंगे। तो इस तरह से आप जो है लॉन्ग टर्म के इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब जिनको स्टॉप लॉस के साथ इन्वेस्ट नहीं करना है, बल्कि अच्छे स्टॉक में फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग है, टेक्निकली जो स्ट्रॉन्ग है, उसमें SIP मोड में इन्वेस्ट करना है। तब आपको अगर आप अच्छे मतलब स्टॉप लॉस के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको जो स्टॉप लॉस हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 1000 के आसपास। तो देखते हैं थोड़ा सा स्टॉप लॉस जो आपका काफ़ी बड़ा है, तो आप थोड़ा सा लेवल्स का वेट करें, या तो ये ऊपर क्रॉस करेगा या तो नीचे आएगा, नीचे आएगा तो आप नीचे के लेवल पर इन्वेस्ट करेंगे तो स्टॉप लॉस आपका छोटा हो जाएगा, ऊपर क्रॉस करता है तो वो भी आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपको छोटे स्टॉप लॉस के साथ इसमें इन्वेस्ट करना है तो आपको लेवल्स का वेट करना पड़ेगा, जब ये 1300 के लेवल को क्रॉस करता है तब इन्वेस्ट करें, या आप इसमें थोड़ा सा वेट करें या नीचे आता है तो इन्वेस्ट करें, क्योंकि नीचे ये यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है 1080 के आसपास, तो 1080 मतलब 1100 के नीचे जो है ये सपोर्ट अपना बना रहा है, तो आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। या यहाँ से आप जो ट्रेंड लाइन है उसको ड्रॉ करेंगे तो भी आप देख सकते हैं, यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि जो ये स्टॉक है लगातार सपोर्ट ले रहा है यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन पे। तो कभी भी इस ट्रेंड लाइन पे आता है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस ट्रेंड लाइन के जस्ट नीचे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। अब हम इसके वीकली चार्ट पर चलते हैं तो आपको पता चल जाएगा स्टॉक बुलिश है या बेयरिश है। तो डेली चार्ट पर आपने देखा कि स्टॉक क्या है, साइडवेज है, क्योंकि जब तक ये 60 के RSI क्रॉस नहीं करता है तब तक हम उसे बुलिश नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं ये लगातार इसी लेवल के आसपास अपना रेसिस्टेंस, ये देख सकते हैं यहाँ पर रेसिस्टेंस इसका बन रहा है, लगातार इस लेवल को क्रॉस करने का ये स्टॉक कोशिश कर रहा है। तो जब तक 1300 के लेवल को क्रॉस नहीं कर जाता आप इसमें जस्ट वेट एंड वॉच करें। अगर हम मंथली चार्ट पर देखें तो स्टॉक जो है मंथली चार्ट पर भी देख सकते हैं अभी ये 60 के आसपास सपोर्ट ले रहा है, मतलब मंथली चार्ट, वीकली चार्ट और डेली चार्ट सब पे दिखा रहा है कि यह स्टॉक जो अभी थोड़ा सा साइडवेज है, मतलब इस लेवल को क्रॉस करने का कोशिश कर रहा है लेकिन अपना ये रेसिस्टेंस ब्रेक नहीं कर पा रहा है। जब तक ये रेसिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर लेता तब तक आप वेट एंड वॉच करें, क्योंकि आपको अगर करेक्शन में मिलता है तो ज़्यादा अच्छा होगा, आप करेक्शन पर इन्वेस्ट करें। तो यहाँ पर जस्ट वेट एंड वॉच करें, क्योंकि मंथली चार्ट, वीकली चार्ट और डेली चार्ट सब बता रहा है कि जब तक इस लेवल को मतलब अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस नहीं कर लेता है ये 1300 को, तब तक आप इसमें इन्वेस्ट करने से बचें, अगर आप स्टॉप लॉस के साथ इन्वेस्ट करने में पसंद करते हैं तो। और ये स्टॉक्स अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन, देखते हैं लगातार अप ट्रेंड में है, कभी भी अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया है, आप देख सकते हैं कभी भी ये अपने पीछे के लो को, पिछला जो लो बनाया है मंथली चार्ट पे, उसे ब्रेक नहीं किया है, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ऐसे ही वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और ऐसे ही वीडियो अगर आप आगे भी चाहते हैं तो उस स्टॉक का आप नाम बता देंगे, उस स्टॉक पे हम वीडियो आपको ज़रूर बना कर देंगे अगर वो स्टॉक फंडामेंटली और टेक्निकली काफ़ी स्ट्रांग होगा तो।